मैंने बोला उसको कि आई एम कमिंग सून, बस इतना ही। और आगे सोच सोच क्यों बोल रहे हो। फाइनली जो है बारात प्रस्थान हो चुकी है और दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि सुबह से थोड़ा काम वाम में बिजी थे और फिर जो है व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा मौसम ऐसी है, बादल धूप, अभी तो धूप है उस साइड को बादल है। तो आज बारात निकलनी है, अभी बज चुके हैं दिन के 2, तो हम जाएंगे देहरादून। अभी बस नॉर्मल से कैजुअल से तैयार हुए हैं, बाकी अपने रूम पर जाके नीचे तैयार होंगे, जो आज का शादी का गेटअप रहने वाला है। ये रात की शादी है, कल विदाई होगी वहाँ से, तो ये कि आराम से जाएंगे। मैं लेके भी नहीं आया था अपने कपड़े इधर, तो बस फिर थोड़ा सुबह से काम हम निपटा रहे थे, तो व्लॉग अब स्टार्ट किया है। बाकी ये देखो नियो भाई, ये तो घूमने गए थे, मैं मार्केट गया था, तो ये तब तक मेरे छोटे भाई के साथ। देखो बात ये है, ये तो काम में बिजी था, तो मैंने कहा यार चंबा आया हूँ थोड़ा ना बन रहा है। हाँ, ये अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने गए थे चंबा में, क्योंकि शूट किया था 11 बार का, क्योंकि मौसम भी अच्छा है यहाँ पर, तो सुस्ता रहे या मस्त। अभी मैंने इनको वो खिलाया, सुस्ता नहीं रहा हूँ। वो बताओ अभी हमने वो खाया जो कंडाली का साग और बाल कंडाली भात। और दोस्तों आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैंने बाल और ट्रिम करवा दिए थे, क्योंकि यार वो संभाले नहीं जा रहे थे मुझसे। यही बोल रहे थे मत कटवा भाई मत कटवा, और दीदी लोग बोल रहे कटवा ले भाई कटवा ले। लेकिन पता है पैंट भी तो चेंज कर रहा था, तो पैंट तो उनके बोलने पे कर रहा था ना, अभी मैं थोड़ा वो कर दे रहे थे। पता है फिर क्या हुआ, कल रात भिंग रहा दे कल नहीं बाल सेट तो हो जा रहे थे कल रात को, मतलब वो कर दिया था मैंने। क्या वो क्या मतलब बाल सेट कर दिए थे, बारिश हुई नाच रहे थे बारिश में, वो भीगे वो फिर से आगे आगे, फिर उन्हें संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। देखो सुस्ता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे पीस है ना, तो बड़ा मजा आ रहा है। चलो मैं थोड़ा उधर जाता हूँ, कैमरा वाले भैया से कल बताया था ना मैंने, वो लिया था चप्पल ले गए थे मेरी, तो मैं अपनी चप्पल लेके आता हूँ वापस। कहाँ है चप्पल पहनी नहीं है, हम तो अपनी लेके आ रहे। अच्छा, अरे मेरी चप्पल पहनी थी कल किसी ने, गाली खाऊंगा मैं वहाँ। है आपका चैनल किस नेम पे? मेरा गौरव लेखवार से। आ गए आप? मेरी माता श्री यहाँ पे खाना खाने बैठी है। कैसा हो रहा मम्मी, कैसा हो रहा मम्मी? ये मामा जी मामी जी भी तैयार हो चुके हैं बिल्कुल बारात में चलने के लिए। भैया भी तैयार हो चुके हैं, बड़े भैया। ये हमारे दूल्हे राजा यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। भैया लग रहा है आपकी शादी है आपकी? इस दिन का कितने टाइम से इंतजार था? इस दिन का इंतजार तब से था जब जैसे उसके दादा के दादा के दादा के दादा भी इसीलिए मिले। मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला। ये हमारी भांजियां भी मतलब अभी तो नॉर्मली तैयार हुए हैं सब, दीदी भी अभी नॉर्मली तैयार हुए होंगे, अभी सब नॉर्मल तैयार हुए हैं सब। सब नीचे के लिए छोड़ रखा सबने है, मेरे को जरूर भेजना लिंक। लिंक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, आपको सारी वीडियोस दिखते रहेंगे। हमेशा करूंगा यार सब्सक्राइब, तू भेज तो सही। हमेशा नहीं, एक ही बार सब्सक्राइब करना है, परमानेंट छुट्टी है ना, तो भेज तो तभी करूंगा। इधर तो अपना फोन मैं करता हूँ। अब देखो हम मामा जी के फोन से अपने चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे। हमारा प्यारा बेटा है गौरव, ये क्या बोलते हैं, बोरुपिया किसको? बोरुपिया जो मल्टी टैलेंटेड होता है ना, उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। नहीं ये बेटा हमारा स्मार्ट बेटा है हमारा, ये यूट्यूब यहाँ पे आपको गौरव लेखवार सर्च करना है, नेट ऑन है इसका। सर्वगुण संपन्न बोलते हैं। बोल फिर से बोल। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। और ये हमारी भाभी भी नॉर्मल तैयार हुई हैं, अभी सारे नॉर्मल तैयार हो गए अभी। तो अभी जो है कल मेहंदी थी, तो कल ना ये हमारी प्यारी भांजी है निक्की, उसने कहा था मामा मेरे को भी ब्लॉग में लेना, तो मैंने कहा ठीक है। तो कल देखो इतनी प्यारी मेहंदी लगाई थी इस लड़के ने, बच्चे बड़े हो गए जब मैंने इसे देखा था, उस समय छोटी सी थी, तो अभी इतनी प्यारी मेहंदी लगाई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे दूसरे हाथ पे भी लगाऊं, क्योंकि अच्छी लग रही है और हल्की सी सेम डिज़ाइन यही, अगर दूसरे हाथ पे बनाएंगे तो जब हम डांस वांस करेंगे ना तो दिखेगा तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है, फटाफट से लगा देते हैं जैसे भी चले। अच्छा, और ये मेरे गंदे से हाथ
जिस पे ही हमारी भांजी मेहंदी लगाएगी। डिजाइन दिखाना पड़ेगा ना। तो फाइनली मेहंदी लग चुकी है, अब फटाफट से सुखाना है। ऑल क्रेडिट गोज टू निक्की। ये भी दानी, इसने सपोर्ट किया थोड़ा सा व्लॉग बनाने में। चलो जो है बारात प्रस्थान हो चुकी है, और मेरे देखो गोद में कौन है, ये हमारा भांजा राम। चलो थोड़ा ज्यादा मैं ले नहीं पा रहा, सब बारात के लिए तैयार। अभी इतनी प्यारी धूप लगी है, मजा आ गया। हाँ मजा आ गया बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ बोलो कुछ, बोलो किसकी शादी है, बोलो मामू की शादी है। हाँ मस्ती भी कर रहे हैं हम। मार रहे हो? चल ये हमारे जीजा जी थक गए। जीजा जी हेलो गाइस, एंजॉय, स्मार्ट लग रहे जीजा जी आज। चलो 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 डांस करो, गाड़ी डांस करो। ये हमारी गाड़ी, भैया की गाड़ी तैयार भाभी को लाने के लिए। हमारा रनिंग फूड कीड़े तो नहीं है। तो हम बैठे हैं बस में, हर गाड़ी में कोई ना कोई है, मतलब वो करने के लिए ना, मैनेज करने के लिए। मैनेजमेंट का काम है, मेरा काम वैसे भी मैनेजमेंट का है, यहाँ पे भी मैनेजमेंट का ही होता है। हर गाड़ी में कोई ना कोई चाहिए, तो हम बस में बैठ गए। हमारी क्या बोला भैया, एक बार वन मोर टेक प्लीज भाभी जी के लिए, वन मोर टेक। मैंने बोला उसको कि आई एम कमिंग सून, बस इतना ही। और आगे सोचो क्यों बोल रहे हो, ब्लश करते हुए। और ये ब्लश करते हुए हमारे भैया मैंने अपने भाई को बोला था कि मेरे को रूम की चाबी दे देना, क्योंकि मैं पहले रूम पे जाऊंगा। उसने रूम की चाबी देखो कहाँ है, वहाँ से उधर दे दे दे, इधर दे इधर दे। हमारे फोटो फाटो बनाए तो नहीं बनाए। ये हमारे चाचा जी, यह वीडियो बन रहा है यहाँ पूरा। चाचा जी यार, ये हमारे चाचा जी हैं, बड़े चाचा जी। बोलो आप कुछ और मेरा भाई सिंगल है, इसके लिए कोई लड़की अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम कुंजापुरी, और यहां पर जो है थोड़ा सा मतलब वो पूजा वूजा जो करते हैं, नारियल वारियल जो चढ़ाना होता है वो हो रहा है अभी आगे पे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन कर रहे थे, बाकी वहाँ पीछे कुंजापुरी मंदिर में तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, माता रानी कोहरे के पीछे छिप गई। तो ठीक है अभी आगे का सफ़र जारी होगा, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी उधर मंदिर पे जा रहे हैं, चलो।
तो दोस्तों फाइनली हम देहरादून पहुंच चुके हैं। पहले मेरे रूम पे गए थे मियाँ वाला, वहाँ से स्कूटी उठाई, कपड़े उठाए और अभी मैं हूँ नियो भाई के रूम पे, क्योंकि नियो भाई को भी जो है तैयार होना था तो उनके कपड़े यहाँ थे, तो हम यहाँ तक स्कूटी से आए हुए हैं। और हम लोग ना डोईवाला में उतर गए थे क्योंकि जो बसेस थी वो सारी दुधली वाले रास्ते से जानी थी, मोथरावाला वाले रास्ते से, तो हम लोग डोईवाला में उतर गए क्योंकि हमारा मियाँ वाला में रूम पड़ता है, तो हम दोनों वहाँ से सिटी बस में आए। तो अभी जो है फटाफट से तैयार हो जाते हैं और अभी मैं मिलूंगा आपसे सीधा तैयार हो। तो दोस्तों फाइनली जो है तैयार हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं होटल के लिए। नहीं, होटल से पहले अभी हम जाएंगे सैलून, थोड़ा सा ये बाल अच्छे से सेट करवा देंगे क्योंकि फिर अभी तो वैसे लगभग है ही नहीं है ठीक ठाक, लेकिन वो है कि जब डांस वांस करेंगे तो मतलब ये बिखर जाएंगे। बाकी ये बैग वैसे है नहीं अभी उसके आज के लुक में, बट मैंने इसलिए टांगा क्योंकि इस पर ज़रूरी सामान है, दवाई, कैमरा आ जाते हैं और भी चीज़ें, चार्जर वगैरह, तो इसको बाद में भी साइड कर देंगे। और न्यू भाई का तो यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, न्यू भाई का लुक ही है। फोटो सेशन कुछ नहीं चला, बस देख रहा हूँ कि मैं अच्छा लग रहा नहीं लग रहा बहुत। बताना कौन ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, मैं ये अच्छा लग रहा है, मैं ये तुम पहले से अच्छी हो, हम ऐसे ही जो कभी कभी अच्छे लग रहे। ये बैठ के वो है ओनर। चलो भाई लेट हो रहा है, कैब बुक कराओ जल्दी से।